काले चने बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि काले चने लिए और उसको क्लीन करके ओवरनाइट सोक कर लिया था, और वो ओवरनाइट सोक होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं आपको। मैंने स्लो फ्लेम पे कुकर प्रेशर कुकर रख लिया है। अब इसमें मैं चने ऐड करूँगी। चने की जो क्वांटिटी थी वो 250 ग्राम थी, तो 250 ग्राम सोख होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी, और उसमें मैंने 2 कप वाटर ऐड किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें पहले सबसे पहले हमने चॉप किया हुआ अनियन, स्लाइस किया हुआ अनियन लिया है जो 2 हैं। इसको अच्छे से ऐड कर लेंगे। इसके बाद 4 ग्रीन चिली और 1 पॉड गार्लिक, इसको हम ऐड कर देंगे। इसमें मसालों में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इसको हम इसमें प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल। ऑयल हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी अपना चॉइस का ऑयल ले सकते हैं। तो ऑयल की क्वांटिटी है 4 टेबल स्पून, इसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम पूरे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको फुल फ्लेम पे हम 4 विसल लगने देंगे, और उसके बाद स्लो फ्लेम करके 2 टू 3 विसल और लगा लेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें प्रेशर लग चुका है। अब इसके बाद हमने इसको खोल लिया है, और इसको 2 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा चना ऑलमोस्ट भून चुका है, तो हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल इसका सेपरेट ना हो जाए। इसके बाद हम लास्ट प्रोसेस आपको दिखाएंगे।